हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल पवार स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं मोबाइल को रीसेट करने के बारे में। तो मोबाइल को रीसेट से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करनी है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहने पर आपको मिलने वाली है। तो मोबाइल को रीसेट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो जब भी आपका मोबाइल हैंग करता है तो आप अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हो, या फिर अपने मोबाइल में जितने भी डेटा है, ठीक है, उसको आप क्लीन करना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आप कि जो मोबाइल की रैम है वो कम होती है तो मोबाइल स्लो चलने लग जाता है, तो आप अपने मोबाइल को स्पीड से चलाना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हो। तो आइए हम रीसेट करते हैं मोबाइल को। तो मोबाइल को रीसेट करने से पहले आपको जाना होगा सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद में आपको जाना है दोस्तों, यहाँ पर सबसे ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा होगा अबाउट फ़ोन पर जाने के बाद में आपको जाना होगा दोस्तों बैकअप रीसेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जाने के बाद में आपको जाना है दोस्तों लास्ट में दिखाई दे रहा होगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट। ठीक है दोस्तों, इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद में आपको शो करेगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे दिखाई दे रहा है ऑल फाइल ऑन द फोन फॉर्मेट मॉक एसडी कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन सभी को क्लियर करना है। जैसे नया मोबाइल आता है तो नए मोबाइल में क्या होता है, कोई भी डेटा नहीं होता है। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे चलाते हैं तो अब डेटा स्टोर होते रहते हैं। तो नया फ़ोन जैसा आता है वैसे कि वैसे आप करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सबसे नीचे दिखाई दे रहा है आपको डिलीट ऑल डेटा, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपका मोबाइल रीसेट हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा मोबाइल तो रीसेट पहले से ही है तो मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको नीड है, आवश्यकता है, वो आप अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हो और अपने मोबाइल को जो नया आता है वैसे कि वैसे आप अपनी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।